हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे सामने दो बड़े बड़े पार्सल, और इन सब पार्सल्स में से एक में हैं कुछ कैसेट्स और एक में है वो टेप रिकॉर्डर, जो कि मैंने तो नहीं, हमारे फादर ने सबसे पहले ख़रीदा था। तो सन 1990 या सन 1991-92 की बात है वो, तो जब हमने वो टेप रिकॉर्डर खरीदा था। तो अब मुझे ये पता नहीं है कि किस बॉक्स में वो टेप रिकॉर्डर है और किस बॉक्स में कुछ कैसेट्स हैं। तो हम इनको बारी बारी से खोल कर देखते हैं, और सबसे पहले मैं इन दोनों को कर देता हूँ साइड में और एक पार्सल उठाते हैं। तो दो पार्सल हैं हमारे पास, और इन दो में से पहला वाला पार्सल ये है, एक छोटा वाला पार्सल। थोड़ा सा पहले हम इसको खोलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर ही हमारा टेप रिकॉर्डर होना चाहिए। तो मैं इसको खोल देता हूँ। तो जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी पैकिंग बहुत अच्छे से हो रखी है, और इसको हम खोल कर देखते हैं कि इसके अंदर टेप रिकॉर्डर है या कैसेट्स हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि इसके अंदर शायद टेप रिकॉर्डर ही होगा, तो पैकिंग बहुत अच्छी कर रखी है बंदे ने। और तो ये मैंने खोल लिया है, और पैकिंग वास्तव में बहुत अच्छी थी, जिसके लिए खोलने में थोड़ा सा टाइम भी लगा। तो इसके अंदर से हम देखते हैं, ये कुछ निकले हैं थर्माकोल्स के टुकड़े, और अब हम इसको इसमें से निकालते हैं। तो इसके अंदर निकल रहा है एक टेप रिकॉर्डर, और हम देखें इसके अंदर ये कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि कोई भी टेप रिकॉर्डर का टूटा हुआ टुकड़ा इसमें नहीं है, यानी कि उम्मीद तो ये है कि टेप रिकॉर्डर बहुत अच्छे से आया होगा हमारे पास। बाकी आ ही चुका आप सामने, तो मैं इसको खोल लेता हूँ, और ये है वो टेप रिकॉर्डर। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज, क्योंकि ये वही सेम टू सेम टेप रिकॉर्डर है जो मेरे फादर ने ख़रीदा था सन 1993 में। अब मुझे याद आ गया कि सन 1993 में ये टेप रिकॉर्डर हमने ख़रीदा था, और ये सेम टू सेम वही टेप रिकॉर्डर है। बाकी ये उन भाई ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो उन्होंने कहा था कि ये शायद ख़राब है। बाकी मैं इसको खोल कर देखूँगा कि इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, लेकिन कुछ भी है, एक ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस चीज़ को आप बहुत समय से ढूंढ रहे हों और वो चीज़ आपको एज ए गिफ्ट ही मिल जाए। पोस्टल वगैरह देना पड़ा इसका, लेकिन बाकी उस भाई ने पैसे नहीं लिए, क्योंकि उन्होंने कहा, और मैंने कहा था कि आप कितने का सेल करेंगे, तो उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। बोले मेरे पास तो बेकार ही पड़ा हुआ है, और मैंने 3 बार इसको रिपेयर करने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं हो पाया, तो मेरे लिए तो यूज़लेस है, आपके काम आ जाएगा, तो मैं आपको ऐसे ही भेज दूँगा एज ए गिफ्ट। तो एज ए गिफ्ट उन्होंने भेजा है, और वो हमारे सब्सक्राइबर हैं तेजजोत सिंह, जो कि पंजाब से हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये अच्छी कंडीशन में मुझे मिल गया है, टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत अच्छी कंडीशन में ये मिल गया है। हालांकि ये वर्किंग कंडीशन में शायद नहीं है, या शायद है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चालू कर ही लूँगा इसको, लेकिन ये मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई तेजजोत सिंह को। और अब हम देखने वाले हैं एक दूसरा पार्सल, जो कि ये बहुत भारी है और बहुत हैवी पार्सल है ये, इसके अंदर शायद कुछ कैसेट्स होंगी। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा खोल लेता हूँ, और उसके बाद फिर आपको इसके अंदर की पैकिंग वगैरह दिखाता हूँ। तो ये मैंने पैकिंग खोल ली है, और इसके अंदर से निकलती हैं सबसे पहले ये दो पिंच रोलर, ये भी मैंने इसी पार्सल में मंगवाए थे, और ये कुछ FLD की बेल्ट्स हैं। तो मैं देख लेता हूँ कितनी हैं ये बेल्ट हैं अपने पास में, 1, 2, 3, और एक ये है 4, और एक ये 5, 5 बेल्ट्स FLD की ये मैंने मंगाई थी, तो 5 बेल्ट ये आ गई।
FLD वाली, और बाकी इसके अंदर होंगे कुछ कैसेट्स, और ये दो पिंच रोलर हैं ये भी FLD के हैं, और बाकी अब हम खोलने वाले हैं, इसके अंदर देखने वाले हैं कैसेट्स कौन कौन सी हैं। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कितनी हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें कि क्वांटिटी वगैरह पूरी है या नहीं है। तो इसमें मैंने देखा कि ये दो टुकड़े पड़े हुए हैं, ये शायद किसी कैसेट के टुकड़े होंगे। तो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं, पहले क्वांटिटी चेक कर लेते हैं कि, और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ ये टुकड़े मिल रहे हैं किसी किसी कैसेट के भी, तो उम्मीद तो लग रही है कि शायद कुछ टूट टाट गया है, जैसे कि एक ये भी निकला। खैर चलो कोई बात नहीं, पहले हम क्वांटिटी देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम कंडीशन भी देखेंगे। तो 61 कैसेट निकली हैं और ये क्वांटिटी बिल्कुल सही है, लगभग 60-61 के आसपास ही थी कैसेटें, तो क्वांटिटी तो बिल्कुल सही है। और बाकी कुछ डाउट लग रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये 3-4 टुकड़े टूटे हुए, तो हो सकता है कि कुछ कैसेट्स के कवर टूट गए हों। चलिए उनको भी देख ही लेते हैं कि किसके साथ टूटे हुए हैं ये कवर। तो अब हम देखने वाले हैं कैसेट्स और उनकी कंडीशंस कैसी कैसी हैं। तो सबसे पहले ये आब लौट चलें और कारतूस, और इसके अंदर कैसेट वही है, आब लौट चलें और कारतूस। अगली है गुनाहों का देवता, और ये प्यार मोहब्बत, गुनाहों का देवता प्यार मोहब्बत। फिर अगली है अग्नि मोर्चा, तो अग्नि मोर्चा। उसके बाद है ये हमारे पास सलामी, वीनस पर आई हुई। अगली है दाग और दुश्मन, ये टी सीरीज़ की है, जय माता दी सीरीज़। उसके बाद है काला साम्राज्य, काला साम्राज्य। और उसके बाद है अपने पास सन्यासी और दस नंबरी, सन्यासी और दस नंबरी, ठीक है। अगली है सेहरा और मिलन, ये जय माता दी सीरीज़ वाली, टी सीरीज़ की पुरानी। अगली है जालसाज, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये कैसेट बिल्कुल सील पैक है, ये बहुत अच्छी बात है। अगली है अपने पास फरेब, और फिर है ज़मीर। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कैसेट की कंडीशन सबकी ठीक ठाक ही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं लगी। अगली है दुनिया और ये महल, ये है दुनिया और ये महल। फिर अगली है बाल ब्रह्मचारी और दरार, हाँ ये कैसेट का कवर शायद टूट गया है, क्योंकि ये देखिए, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब दो तीन कैसेटों का कवर टूट भी जाए तो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब इतना बड़ा पार्सल है तो इसको मैं अलग ही रख देता हूँ, लेकिन दिखा देता हूँ कौन सी कैसेट है, ये बाल ब्रह्मचारी और दरार। फिर अगली है रावण राज, और ये कैसेट है टिप्स की, और जैसा कि आप देख रहे हैं इसके स्टिकर भी वैसे के वैसे ही हैं अभी तक, तो कंडीशन इसकी बहुत बढ़िया लग रही है। अगली है अंगरक्षक, उसके बाद है आपका सुरूर, और जैसा कि हम देख रहे हैं बिल्कुल सील पैक, ये भी बहुत अच्छी बात। और उसके बाद है आँखों में तुम हो, आँखों में तुम हो कैसेट इसके अंदर वही है। अगली है तक्षक, और कैसेट भी वही, अंदर भी तक्षक ही है। उसके बाद है गैंगस्टर, और उसके बाद है आदमी सड़क का, और गुलाम बेगम बादशाह और कर्मयोगी, यानी कि इसके अंदर तीन मूवीज़ के गाने हैं, HMV की कैसेट है, कंडीशन बहुत बढ़िया।
अगली है राजा जी, HMV पर आई हुई, और उसके बाद है फिर नाकाबंदी टी सीरीज, और उसके बाद फिर से हमें मिल रही है देखने को एक सील पैक कैसेट, ये है मोहब्बत और प्यार हो गया। तो कॉम्बो भी अच्छा है और कैसेट भी सील पैक ही है, अच्छी बात है। फिर है ये गैंगस्टर, तो जैसा कि हमने देखा इसका कवर टूटा हुआ है, तो जो हिस्से निकले थे टूटे हुए वो शायद इसी कैसेट का होगा, इसे रख देते हैं साइड में, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगली है ये, अच्छा अगली है ये कौन सी है, संतोष और तवायफ HMV। अगली है एक लड़की को देखा, तो इसमें गाने शायद अलग अलग मूवीज़ के होंगे, हाँ इसमें गाने अलग अलग मूवीज़ के हैं। उसके बाद है ये कौन सी है, तकदीर वाला टिप्स, और फिर है दरिया दिल और जीते हैं शान से वीनस। अगली है अपने पास कुछ दूर हमारे साथ, ये हैं गज़ल्स भाई आशा भोसले एंड हरिहरन, तो ये सील पैक कैसेट है, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद है नेक्स्ट अंदाज तेरा मस्ताना, और ये है वादे इरादे, तो जैसा कि हमने देखा कवर इसका टूटा हुआ है, तो वो शायद टूटा हुआ हिस्सा इसी का होगा, इसे साइड में रखते हैं। अगली है लता मंगेशकर Volume 1, कहीं दीप जले कहीं दिल, तो ये कैसेट है टी सीरीज़ की, पर इसके अंदर से कैसेट निकलती है शायद कुछ और ही, या ये शायद लोकल है, पता नहीं, देखा जाएगा, इसे साइड में करता हूँ मैं। और उसके बाद है अगली शहीद भगत सिंह, तो हमने देखा कि कवर इसका शायद ये चटक गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब एक फेविक्विक की बूंद लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, बस कैसेट सही होनी चाहिए। इसको भी साइड में कर देते हैं क्योंकि इनके कवर हम रिपेयर कर लेंगे। अगली है वेरी बेस्ट ऑफ मोहम्मद रफ़ी, और जैसे कि हमने देखा कवर इसका भी टूटा हुआ ही लग रहा है, और ये है ये कौन सी कंपनी की कैसेट है, ये तो म्यूज़िका तो उसका आया करता था वीनस का, लेकिन ये वीनस तो नहीं है, ये कोई दूसरी कंपनी लग रही है, पता नहीं कौन सी है, लोकल है ओरिजिनल है पता नहीं, खैर इसको भी साइड में रख देते हैं, इसको भी देख लेंगे बाद में। ये है अपने पास जी म्यूज़िक खोटे सिक्के, और उसके बाद है फिर दुश्मन, तो ये एक हमारे मित्र ने और एक हमारे सब्सक्राइबर ने कहा था कि अगर दुश्मन आपको मिले तो आप मुझे बता देना, तो अगर वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनको बता दूं कि ये कैसेट दुश्मन आ चुकी है आपके लिए, अभी इसको चला के नहीं देखा है, चला के देख लिया जाएगा, उसके बाद उनको इन्फॉर्म कर देंगे, वैसे तो वो वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें अपने आप मालूम चल ही जाएगा। ये कौन सी है, आप जैसा कोई, अच्छा आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, अच्छा ठीक है साहब, बन जाएगी बात। और नेक्स्ट है फिर अग्निपुत्र, तो कंडीशन इसकी बढ़िया है, टिप्स और इसका स्टिकर भी है। अगली है BB No. 1, उसके बाद तकदीर वाला, ये शायद दूसरी कैसेट आई है, तकदीर वाला एक और आई थी इससे पहले, डबल हो गई है। फिर है हमारा दिल आपके पास है, तो कवर इसका शायद लंबा वाला है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर आती है ये सुनजरा, अच्छा सुनजरा सोनी है सुनजरा, नहीं ये कुछ और ही है शायद, एल्बम है ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये सील पैक है तो ठीक है। अगली है चैम्पियन, और कंडीशन इसकी बहुत बढ़िया लग रही है,
टिप्स, और उसके बाद है ये जुनून, और उसके बाद है फिर चाची 420, चाची 420। नेक्स्ट है अपने पास में रघुवीर, तो इसका कवर टूटा हुआ है, इसको हम कर देते हैं साइड में। और उसके बाद है फिर एक ही रास्ता टिप्स पर आई हुई। फिर है अपने पास कहीं प्यार ना हो जाए, सलमान खान। और उसके बाद है मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा गालिब। फिर अपने पास है रफ़ी की यादें वॉल्यूम 11, सिंगर सोनू निगम। और ये थोड़ी सी गंदी लग रही है, पर कैसेट सही है तो कोई बात नहीं, इतना सब चलता है। ये है आतिश, और इसके अंदर कैसेट है वीनस की। अभी इनको चला के तो खैर मैंने किसी को नहीं देखा है, क्योंकि आपने देखा कि मैंने पार्सल आपके सामने ही अनबॉक्स किया है, तो चला कर के तो मैंने किसी को नहीं देखा। और ये है जानम समझा करो। और इसके बाद है अपने पास नेक्स्ट कानून, ये शायद मेरे पास पहले भी है, ये इसकी सेकंड कॉपी आ गई है। और इसके बाद है मैं तेरा दुश्मन और ईश्वर, तो ये जय माता दी सीरीज़ वाली है शायद, टी सीरीज़ नहीं, जय माता दी सीरीज़ नहीं है ये, लेकिन है टी सीरीज़ की। और उसके बाद है यार गद्दार, यार गद्दार। ये कौन सी कंपनी पर, ये वेस्टर्न पर आई है यार गद्दार। और इसके बाद है फिर अपने पास में ये कौन सी है, टिप्स क्लासिकल्स, टिप्स क्लासिक्स। ये चांद तेरी चुरा लो ना दिल, होश वालों को खबर किया इस तरह आशिकी का। अच्छा, इसमें मतलब मिक्स गाने हैं, और ये सील पैक है तो बहुत बढ़िया लग रही है। और उसके बाद है नेक्स्ट परिंदा, परिंदा ये आई हुई है वेस्टर्न पर। अगली है जोधा अकबर, तो ये बिल्कुल सील पैक है, और ये एक्चुअल सील पैक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर सोनी म्यूज़िक का ये एक पट्टी लगी हुई है, तो ये बिल्कुल सील पैक, बिल्कुल जेन्युइन सील पैक है, ऐसा नहीं है कि सील पैक किया गया है, ये बिल्कुल असली वाली सील पैक है जो होती है रियल में। और ये है लव, तो ये क्या है भाई, इसमें शायद गाने हैं अलग अलग। ये क्या है, द रोमांटिक कलेक्शन ऑफ पंजाबी लव सॉन्ग्स। अच्छा, पंजाबी लव सॉन्ग्स हैं इसमें। और उसके बाद है अनमोल रतन, किशोर कुमार, रणधीर कपूर, भंवरे की गुंजन। नेक्स्ट है राजू बन गया जेंटलमैन, और ये गीत, तो साइड ए में राजू बन गया जेंटलमैन, और साइड बी में केवल स्टिकर लगा हुआ है टिप्स का, तो ये अंदर गीत ही होगी खैर। और इसके बाद है फिर ये सिलसिला है प्यार का। तो ठीक है दोस्तों, कैसेट हो चुकी है पूरी ख़त्म, और ये बॉक्स हो चुका है पूरा खाली। अब हम इनको चलाकर देखेंगे, और इसके बाद फिर जो ये कवर टूटे हुए निकले हैं इसके करते हैं मरम्मत, रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।